हेलो एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि और आज हम लोग एक लव रीडिंग करने वाले हैं। एंड इस लव रीडिंग से पहले मैं बता देती हूँ दैट आई आल्सो आई एम टेकिंग बुकिंग्स फॉर द पर्सनल टैरो सेशन, जो कि 300 पर सेशन 30th of September तक है। मैं एस्ट्रो चेकअप की भी अलग से करती हूँ, अगर आप लोग को एस्ट्रो चेकअप करना है तो वो भी आपको अलग अलग क्वेश्चंस एंड करियर रिलेटेड होगा या फिर जॉब रिलेटेड होगा, मतलब करियर नहीं आ जाता या लव रिलेटेड होगा, तो उसमें भी 350 से लेके 500 के बीच में अभी अवेलेबल है। सो उसमें हम लोग थोड़ा इन डिटेल चेकअप भी करते हैं, आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात होती है, सब कुछ डिटेल में होता है। सो टैरो एंड एस्ट्रो में कभी कभी साथ में कर देती थी, बट अभी टैरो का अलग से एंड एस्ट्रो का अलग से मैं रख रही हूँ, जो कि अक्टूबर से एक प्रॉपर प्रोसेस में आएगा। सितंबर के बीच में अगर आप लोग करते हो तो मैं अलग से एस्ट्रो का एंड अलग से टैरो का भी करूँगी, बट अक्टूबर से मैं उसके फीस जो रहेगा उसको एकदम चैनलाइज कर दूँगी ताकि आप लोग के लिए ईजी हो जाए। फिलहाल तो टैरो के ही चल रहे हैं बुकिंग्स, जो कि 300 पर टॉपिक पर रीडिंग का है, एंड एस्ट्रो का भी मैं अलग से कर रही हूँ जैसे मैंने बताया। तो उसके बुकिंग के लिए आप लोग मुझे पर्सनल नंबर पे डीएम कर सकते हो। इसके अलावा मेरे जो टैरो कोर्सेज अवेलेबल है, पर्सनल हीलिंग सेशंस अवेलेबल है, उन सारे के भी मतलब अगर आप लोगों को इंक्वायरी करना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। सो देर ना करते शुरू करते, जानते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या मैसेज आ रहा है। वील टेक 5 कार्ड्स फॉर टुडे, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी 1, 2, 3 कार्ड्स आ चुकी है, 4 वाओ एंड 5, 6th कार्ड भी यहाँ पे है, पर 6th कार्ड थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। 5 एंड 6 वाला कार्ड में पर एक्स्ट्रा चेकअप रख रही हूँ, एंड बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों को मिल रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो मैं पहले सारे कार्ड दिखा देती हूँ एंड फिर मैं लास्ट के 2 कार्ड दिखाऊंगी। सो वी हैव गॉट द हाई प्रीस्टेस, सो दे सी यू एज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, बैलेंस्ड पर्सन, वेरी हाईली वैल्यूड पर्सन, वो आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं। दे सी यू एज अ वेरी हैप्पी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, द सन, सन जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, वो आपको उसी एनर्जी में देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव गॉट द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आप लोग के रिश्ते में कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकता है या फिर यहाँ पर जैसे 8 राउंड्स है तो कर्मा, एंड 10 इज ऑल्सो द नंबर ऑफ सूर्य। सो आप लोगों के सिचुएशन कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकती है, कोई सोल कनेक्शन हो सकती है, जो कि किसी कर्मा के वजह से हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में या फिर सेपरेशन में गए, बट व्हील ऑफ फॉर्चून शोज की डेस्टिनी आप लोग के रिश्ते के साथ में है, दिस इज अ डेस्टाइंड रिलेशनशिप, ठीक है। देन वी हैव गॉट की 3 ऑफ कप्स विच शो सेलिब्रेशन, सो यू टू आर गोइंग टू सेलिब्रेट विथ योर फैमिली वेरी सून, एंड वी हैव ऑल्सो गॉट द 3 ऑफ मंथ्स, दैट मीन्स द पर्सन इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड अ स्टेबल रिलेशनशिप एंड अ स्टेबल फ्यूचर विथ यू, तो उसका भी वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। जो 2 नेगेटिव सिचुएशंस, मतलब 2 नेगेटिव नहीं, एक आया है हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो हो सकता है इस पर्सन के वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन रहे या उनके कोई पास्ट रिलेशनशिप है वो हार्ट ब्रोकन रहे, जिसकी वजह से वो खुल के आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द सिचुएशन। वी हैव कॉल्ड द 10 ऑफ पेंटिकल्स विच शोज के आप करियर पे बहुत ज़्यादा या मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई नजर रख रहा है, एंड वो इंसान आप लोग का लेकिन खराब नहीं कर सकता बिकॉज देयर इज सम अदर एंजेलिक फोर्सेस हु आर प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी फ्रॉम द पर्सन। सो आप लोग के रिश्ते के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, यहाँ पे जैसे बुजुर्ग है आप लोग पास में से देख सकते हो, एंड देर आर बिल्डिंग्स एंड ऑल्सो मे बी दिस पर्सन इज वेरी मच फोकस टूवर्ड्स वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे जैसे लिब्रा का है तो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स है तो बिल्डिंग बनाने का कोशिश, सो दिस पर्सन इज ऑल्सो, मैंने यहाँ पे जैसे हमारे 4 ऑफ पेंटिकल्स मिला, सो द पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट मनी, ठीक है। सो आप लोगों के लिए अगर गाइडेंस कार्ड में बताऊं तो यहाँ पर जैसे सबसे ऊपर टेम्परेंस का कार्ड ही है, सो विच मीन्स आप लोगों को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, पेशेंस को, बैलेंस को बनाने की कोशिश करना चाहिए, तभी आप एनलाइटेंड होंगे, आपको पता चलेगा कि क्या आपको नेक्स्ट एक्शन लेना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। सो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड यस, सो आप लोगों को थोड़ा सा वाटर अफर्मेशंस देना चाहिए फॉर योर सेल्फ, फॉर प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी एंड टू बी इन पीस, ठीक है। सो यही तक हम आज की रीडिंग को फिनिश करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे पर्सनल सेशंस के साथ जुड़ना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, माय नंबर इज 9038758500। थैंक यू सो मच, क्लेम दिस रीडिंग, नीचे कमेंट कीजिएगा क्लेम करने के लिए। टेक केयर एंड बाय बाय।